रहा है, एन का मान ज्ञात कीजिए ताकि इतना जो है ए तथा बी के बीच गुणोत्तर माध्य याद कर सकते थे। मैं ए में आ चुका है सवाल, समझना क्या ना, किसका मान ज्ञात करना है, एन का। एन का मान ज्ञात कीजिए, ये संख्या जो है इतना बड़ा डाटा, ये ए तथा बीच का जीएम है, ये तो क्वेश्चन में कहा है ना, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। ए तथा बीच का क्या होगा, बीच का जीएम बोलो, ए और बी के बीच का गुणोत्तर माध्य क्या होगी, तुम बताओ। A into B by A power N. क्या क्वेश्चन पूछे हम, यहाँ ए और बी के बीच में क्या संख्या होगा, ए याद करो पाला थ्योरी क्या बताए थे, दो संख्या ए और बी के बीच का एक गुणोत्तर माध्य रूट अंडर ए भी बताए थे, वो तो जनरल हो गया ना, यही कहना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन में कहा है हमको एन का मान निकालना है ना, ए तथा प्रश्न से ए तथा प्रश्न से ए तथा बी के बीच का जीएम बराबर क्या कहा है, ए के पावर एन प्लस वन प्लस बी के पावर एन प्लस वन अपॉन में ए कर पावर एन प्लस बी के पावर एन, तो क्वेश्चन में कहा है। यहाँ से रूट हंड्रेड क्या हो जाएगा, ये ए बी बराबर ए के पावर एन, ध्यान देकर समझो नहीं तो फिर कैलकुलेशन लंबा है, दिमाग भटक जाएगा, समझना क्या ना, ए के पावर और ध्यान दे मतलब नहीं, धीरे झुक जाना, सीधा होकर ध्यान देना है। हाँ, ये क्या होगा, ए के पावर वन बाय टू बी के पावर वन बाय टू बराबर ए के पावर एन प्लस वन प्लस बी के पावर एन प्लस वन, ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन, कोना कोनी गुना करो, ए के पावर वन बाय टू और फिर एक पावर एन, ए के पावर क्या होगा एन प्लस वन बाय टू, गुना पावर जुटेगा इंटू बी के पावर वन बाय टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर प्लस, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे तो ए के पावर वन बाय टू वैसे रहेगा और बी के पावर एन प्लस वन बाय टू होगा, गुना पावर क्या होती है, जुटती है, नीचा में है तो कुछ एक है, एक से गुना करेगा, ए के पावर एन प्लस वन प्लस बी के पावर एन प्लस वन, इधर लाओ ए के पावर एन प्लस वन बाय टू इंटू बी के पावर वन बाय टू, देखो एक पावर एन प्लस वन बाय टू एन वाला टर्म यहाँ है, एक और एन वाला टर्म यहाँ है, एक साइड लिख दो, माइनस ए के पावर क्या लिख दो एन प्लस वन प्लस ए के पावर वन बाय टू इंटू बी के पावर एन प्लस वन बाय टू, इधर आ गया बी के पावर एन प्लस वन बराबर क्या होगा जीरो। अब देखो इन इसमें इस संख्या में इसमें कुछ कमान आ रहा है, ए के पावर एन प्लस वन बाय टू कमान आ रहा है, आ रहा है नहीं, यस सर, तो निकालो ए के पावर एन प्लस वन बाय टू कॉमन निकाल लेंगे तो बी के पावर वन बाय टू माइनस एक के पावर है वन बाय टू होगा, ए के पावर क्या होगा, ये समझ में आ गया ना, इन दोनों को तुम गुना करेगा तो गुना पावर जुटती है, वन बाय टू प्लस वन बाय टू कितना होगा एक, एक पावर एन प्लस वन ये हो गया, इसी प्रकार से बोलो क्या कॉमन लेगा बी के पावर एन प्लस वन बाय टू, यहाँ क्या होगा बी के पावर वन बाय टू और माइनस बी के पावर क्या होगा एन प्लस वन, ओ सर यहाँ ए ए पावर वन बाय टू बी कॉमन ले ली, बी कॉमन ले एक पावर वन बाय टू और माइनस बी के पावर, यहाँ क्या होगा ठीक है ना, बराबर क्या होगा जीरो। अब देखो ये ए लिखे थे ना, हाँ ये ए लिखा हुआ है, तो ए लिखा हुआ है तो यहाँ से पहले माइनस कॉमन निकाल लगा तो सेम डिजिट यहाँ हो जाएगा, होगा ना, इससे माइनस कॉमन निकाल लो, ए के पावर एन प्लस वन बाय टू बी के पावर वन बाय टू माइनस ए के पावर वन बाय टू माइनस बी के पावर एन प्लस वन बाय टू इंटू बोलो बी पावर वन बाय टू माइनस ए के पावर वन बाय टू बराबर क्या होगा जीरो। अब दोनों पैकेट सेम मिल रहा है, पैकेट सेम मिल रहा है तो वन पावर वन बाय टू माइनस ए के पावर वन बाय है ना, इंटू में हो गया ए के पावर एन प्लस वन बाय टू माइनस बी के पावर एन प्लस वन बाय टू बराबर जीरो। इसीलिए यहाँ से ये जीरो और फिर ये जीरो है ना, जब बी के पावर वन बाय टू माइनस ए के पावर वन बाय टू बराबर जीरो, बी के पावर वन बाय टू बराबर ए के पावर वन बाय टू, इसीलिए बी बराबर ए होगा, लेकिन बी बराबर ए कभी होगा नहीं, यदि दोनों बराबर होगा तो बीच का कोई संख्या भविन करेगा जी एम में, तो इसीलिए बोलेंगे कि बी डज नॉट इक्वल टू ए, यहाँ से इम्प्लाइज डैश लिखो तब क्या तक समझ आएगा ना, इसीलिए ए के पावर
एन प्लस वन बाई टू माइनस बी के पावर एन प्लस वन बाई टू बराबर क्या होगा? जीरो। जब बराबर होगा तो यहाँ से बोलो ए के पावर एन प्लस वन बाई टू बराबर बी के पावर एन। नेक्स्ट कलम लो, दूसरा कलम लो, छठावा कलम तो दे दिया था। कलम नहीं है कलम। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दोनों हो गया आपस में बराबर, हो गया ना, वन अपॉन टू हो गया। भेज लो इसको इधर लो बट्टा में, तो ए के पावर एन प्लस वन बाय टू बी के पावर एन प्लस वन बाय टू बराबर क्या होगा? जीरो। वन, ये जीरो वन होगा ना? यस, बराबर वन हो गया। इंप्लाइज डेट ए बाय बी के पावर क्या होगा? एन प्लस वन बाय टू बराबर क्या होगा? वन। इंप्लाइज डेट ए बाय बी के पावर एन प्लस वन बाय टू इक्वल टू ए बाय बी के पावर जीरो। अब बेस सेम है इसीलिए एन प्लस वन बाय टू बराबर क्या होगा? जीरो। इसीलिए एन बराबर क्या होगा? माइनस वन बाय टू। क्वेश्चन में क्या कह रहा था निकालने के लिए? एन का मान निकला। एन का मान यही है, एन का मान देखो एक बार एन का मान क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो उसमें एन का मान। अगला प्रॉब्लम बनाते हैं, जरूरी है ना गुना भाग किए हो तो मिस्टेक भी कहीं हो सकती है। आगे हम लोग देखेंगे जान दे। क्वेश्चन नंबर कितना होगा अब? 28 है ना। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 देखो, दो संख्या का योगफल, दो संख्या है नहीं पता है, माना कि दोनों संख्या ए और बी है, एक संख्या ए दूसरी संख्या क्या है बी, उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना, कितना गुना? 6। दो संख्या का योगफल जो है गुणोत्तर माध्य का, उनके दो संख्या का योगफल ले लो उसी का गुणोत्तर माध्य लो, तो वो दोनों संख्या योगफल है अपने गुणोत्तर माध्य का 6 गुना। ये बात कहा है तो दिखाइए कि संख्या इतना अनुपात इतना के अनुपात में, वो जो जो संख्या माने अनुपात भी इसके रेशियो में होगा। ठीक है, माना कि दो संख्या, मैसेज में कुछ भेजे थे कंपोनेंडो डिविनेंडो, देख कर आया है ना उसे? नहीं देख आया, नहीं देखना है। व्हाट्सएप दूसरा कोई भेजेगा तो फोटो वोटो तब ना देखेगा, व्हाट्सएप में भेजे। हाँ, हम लोग में ग्रुप कहाँ है व्हाट्सएप? व्हाट्सएप नहीं है, वैसे मैसेज आएगा व्हाट्सएप पर तो देखेगा ना, हीरोइन सब का फोटो निहार के देखेगा बढ़िया से। अरे बेवकूफ, टेलीग्राम पर नहीं भेजे हैं व्हाट्सएप, फालतू का मैसेज आएगा तब पढ़ेगा ना, हम भेजेंगे तू कहे पढ़ेगा, वो तो तुमको फोटो दूसरा आदमी को चाहिए, देखना चाहिए कम से कम क्या भेजे हैं। नहीं गया है कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं भेजे हैं, देखो तुम उल्टा करके। माना कि दो संख्या ए तथा बी है, देखो नहीं गया है, पहले ही भेज दिया होंगे सब। ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कस कर लेंगे यहाँ, देखो बाद में देखना, नहीं है तो बाद में देखना। दो संख्या क्या है ए या बी है? अब देखो प्रश्न से डालने तो होंगे जरूर, हम ऊपर करो आश्चर्य है तो कौन ग्रुप में डाला गया, 11th ग्रुप में तो डाले थे हम। नहीं किया था, गजब स्थिति है। हाँ तो नहीं जानते हो तो बताओ कंपोनेंट और डिविडेंड बोलो क्या होता है? नहीं पता है, काहे नहीं पता है? प्रश्न से दो संख्या का योगफल जो होगा, क्या होगा योगफल? उनके गुणोत्तर माध्य का कितना गुना है? 6 गुना। अरे 8 गुना कहा था? 6 गुना। 6 गुना कहीं 8 गुना, अच्छा यहाँ 8 गुना, कहीं 8 गुना भी है, लेकिन बात सुनो 8 गुना भी कहीं तो होगा ही, 6 गुना है ना। ठीक है अच्छा कहीं देखे होंगे तब हम। ठीक है कोई बात नहीं, 6 गुना है तो हमको क्या मतलब उससे, दूसरे बुक में देखो कितना गुना है, सब में तो होगा यही है, हैं 6 गुना ही है, देखो तो एक बार। ठीक है नाम होगा तब, कहीं बनाए हैं तो इसलिए ध्यान में आ जाता है, एक बार जो वहाँ से चल गया ना तो याद रहता है बहुत दिनों सालों वर्षों तक याद रहती है चीज़ को। नहीं इस सवाल का यही आया था।
दो संख्या है उसका योगफल जो होगा अपने गुणोत्तर माद का कितना गुना है? छः गुनी। अब बताओ अब क्या करेंगे? साबित करना है दोनों संख्या का जो रेशियो होगा ना वो होगा 3+2√2 अनुपात 3-2√2। ये बात समझ में आ गया ना? ये होगा रेशियो उसका, कैसे आएगा बताओ छोटू कुमार? कुछ बुझा रहा है तुम लोग को? सवाल क्या है, कुछ सुझ रहा है बताओ? कुछ अपना थेसिस दो पहले। ए बी का मान निकाल, कैसे निकालेंगे बी का मान? कुछ दिया है नहीं, नेपाल प्रथम पद दिया है, कौन सूत्र पर निकलेगा बी का मान? है कौन सूत्र पर निकलेगा? रामदास बोलो, कुछ सुझ रहा है कि तो, मतलब हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। लाना है ये डिजिट दिया है इसमें, कुछ करते हैं a+b, हाँ रूट ए प्लस रूट बी का पवनदेव बोलेंगे होलस पर। बोलिए पवनदेव, हाथ तक रखो, बढ़िया सुनो, तुम लोग नहीं आता है तो तुमको सुनबो तो करो। बोलो पवन कुमार क्या होगा? आराम आराम से बोलना है। रूट ए को सीधा बोलो, डिजिट क्या होगा सब हटा उठा करके के बाद खाली आंसर बोलो। हाँ बोलो क्या होगा? रूट ए स्क्वायर प्लस हाँ प्लस टू ए बी। ठीक है आगाम बोलो। टू ए सर ये होगा, आए रूट ए होगा, हाँ टू रूट ए, ठीक है ना, बी रूट ई होगा, बी रूट होगा, ओकर बाद प्लस रूट बी स्क्वायर हो गया ना। आगे स्टेप करके दिखाओ ना, इतना स्तरे होगा, एक स्टेप करके दिखाओ। वही तो हम पूछ रहे, तो वही अभी तक नहीं कहे हो। बोलो 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 है कौन जल्दी से करना है कुछ हो? रूट ए का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर? 3a की 4a रूट ए का स्क्वायर ए होगा। कैसे हुआ ये है? कैसे हुआ ये? हमको तो लगा 3 या 4a होगा। बड़का बड़का संख्या लेना ना, छोटका वटका क्या देखते हैं, गरीब लोग हैं, थोड़ा सा सोचना है। तो यहाँ देखो टू रूट है, टू रूट भी हुआ ना, तो यहाँ पर तुम क्या करना, यहाँ पर क्या करना हमको है, दोनों तरफ टू रूट ए बी जोड़ दो। यहाँ भी क्या करो 6 8 आ गया ना, अरे 8 आया। अब क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस टू रूट, अरेंजमेंट का सवाल ये सब है, समझ में आ गया ना? 6 2 कितना होगा? 8 रूट ए बी। अच्छा इसी को हम खोज रहे थे। आप बोलो ये संघ अपति बैठ गया, मतलब किसे बैठ गया? अभी तुमने बताया ना इसको अगर करेंगे तो ये आएगा, इसको क्या लिखोगे? रूट ए प्लस रूट बी का क्या लिखोगे? स्क्वायर बनो लिखोगे, याद करो। एक जगह पर और आप ये मतलब इस प्रकार कुछ कंफ्यूज करते हैं, जब ट्वेल्थ इंटीग्रेशन तो बनाओगे वहाँ पार्शियल अति आती है परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करने के लिए। 10वीं भी सीखा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता है, याद है? नहीं बनाए हो परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि सीखा होगा, द्विघात समीकरण को उससे हल करने के लिए करे हो कभी हल, और उसी से निकलता है फार्मूला जो x-b+√2 हो ना तुम, ये फार्मूला उसी से डिराइव किया जाता है। अब बोलो ये क्या होगा? 8√ab होगा। आप बोलो क्या करेंगे? कुछ दिख रहा है पवनदेव? कुछ दिख रहा है, क्या करेंगे कोई बताओ हमको? आए बोलो अब क्या करेंगे पवन कुमार? दोनों तरफ क्या करेंगे? रूट लेने पर रूट का ही लेंगे जी। हैं कुछ कहो, सुनेंगे मान। प्लेटफार्म नंबर 1 कह देते हैं, रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर निकला 8√ab निकला ना, रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर निकला। अच्छा क्या यहाँ से रूट ए प्लस रूट बी का, ठीक है कोई बात नहीं है। अब देखो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लाना है 3+2√2 इंटू 3- क्या लाना है? एक रूल होती है आगे हम लोग यूज करेंगे जिसे कहते हो योगांतरानुपात या कंपोनेंडो,
कॉम्पोनेंडो एंड डी वी डेंडो। जैसे ए बट बी बराबर सी बट डी कोई संख्या है, ऐसे क्या हुआ, क्या ऐसा संख्या है ना, तब कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या कहती है, कहती है क्या, अंश जोर हर बटे अंशे घटाओ हर बराबर, यहाँ भी अंश जोर हर बटे अंशे घटाओ हर, ये होती है। रूल पढ़ा है कभी, ये रूल है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसे कहा योगांतर निष्पत्ति अनुपात कहते हैं। ए बटे बी बराबर कोई सी बटे डी संख्या दिया है तो वो बराबर होगा अंश जोर हर बटे अंश घटाओ हर बराबर, फिर यहाँ पर भी अंश जोर हर बटे अंश घटाओ, हम लोग यहाँ पर वही कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से मान निकाल लिए, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर निकल गया, कितना निकला 8√ab निकला ना। अच्छा सोचो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, ठीक है बाद में देखेंगे उसको हटा करके। अब मान निकाल लो रूट ए प्लस रूट बी का मान निकला, स्क्वायर निकला तो उसको हटा, कभी हम लोग रूट ए प्लस रूट बी का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, निकाल सकते हैं ना, अच्छी बात है निकाल सकते हैं, तो हम कहाँ कहते हैं खराब बात है, कहते हैं खराब बात है। फार्मूला तो बहुत पर कराए हो तुम लोग, ए प्लस ए माइनस बी का बोलो फार्मूला होल स्क्वायर, ए प्लस बी के फॉर्म में, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के फॉर्म में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस फोर ए बी, फोर ए बी किसको किसको लगता है सही लिखाया है, पवन कुमार लग रहा है सही लिखाया है, आए कैसे सही है बताओ हमको, कैसे सही मान लेंगे, दे देंगे प्लस तो नहीं होगा, माइनस प्लस घुमा दिए प्लस आ ठीक है जी माइनस बताओ क्या तोड़ेंगे, यहाँ तोड़ेंगे तो यहाँ आएगा प्लस टू ए बी, अब प्लस टू माइनस फोर माइनस टू बी, इसको करेगा तो माइनस टू बी आएगा, हो गया सिंपल सी बात है। अब बताओ अब हमको निकालना है ए माइनस बी रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर निकालना है, क्या करेंगे बताओ, रूट ए प्लस रूट बी इसका होल स्क्वायर माइनस फोर रूट अंडर ए बी, क्या ऐसे ही बात होगी, अच्छी बात है। अब बोलो यहाँ से रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बराबर, बोलो इसका वैल्यू, बोलो इसका मान बताओ ना, आठ रूट ए बी, कितना निकला मान इसका, आठ रूट ए बी है ना, हाँ आगे बोलो रूट ए बी, ठीक है कोई बात नहीं है, तो बोलो यहाँ से क्या निकला, अरे बोलो फोर रूट ए बी, हाँ फोर रूट ए बी बोलेगा तब है ना, हमको थोड़े बनाने आता है, तुम लोग बताओगे तो हम बना देंगे साथ में मिल करके, कितना निकला प्लेटफार्म नंबर दो, अगला पेज बढ़ाओ, समझ में आ रहा है, आसान सवाल है ना, आसान है, छोटा सा कंपोनेंट डिविडेंड लगाएंगे लास्ट में बन जाएगा। ये दसवां में ही हम पढ़े थे कंपोनेंट डिविडेंड रूल है, मगर अठवां नवा में ही वहाँ भी देखे थे एक बार, वो लोग फर्स्ट बार देखे इंटर मार कर, अच्छी बात है, आगे तो भविष्य में काफ़ी यूज होगा यहाँ से। अब देखो अरे जोर सीखा घटाओ सीखा भाग सीखा, सीख लेते हैं, एक में भाग देते हैं दो से, एक समीकरण एक में समीकरण दो से भाग देने पर, पेज रखो पकड़ करके, लो LHS लो, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बराबर बोलो 8√ab अपॉन 4√ab, जाने वाले को ठीक है तो हम भी नहीं रोक सकते हैं। अब बोलो एक साथ दो कम, पेज कम बचाना है ज़्यादा बचाना है, कम ज़्यादा बचा लेते हैं, स्क्वायर का क्या चलेगा और रूट का वर्गमूल रूट टू ही हो जाएगा, इसीलिए यहाँ से बोलो √a प्लस √b
अपॉन रूट ए माइनस रूट बी बराबर क्या होगा रूट टू होगा। यहाँ पे कुछ लिखवो किए थे एबीसीडी, हम कहेगा एबीसीडी पर आ रहे हैं, लिखे थे ना। हाँ तो बोलो बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब इतना काम रहता है किस ग्रुप में क्या डाले कहाँ डाले हैं, दिमाग से फिसल जाता है बात। हमको लगा डाले थे लेकिन 11th ग्रुप में क्लिक हो सकता है, 10th क्लिक चला गया होगा। उसमें टेलीग्राम पर तो बहुत सारा ग्रुप है, 11th भी है और भी सारा मेंबर उसमें जुड़े हुए हैं, इस कारण से थोड़ा दिक्कत कभी कभी हो जाती है, मिस्टेक किसको क्या डाल दिए। आप बोलो अंश जोर क्या होगा, अंश जोर हार, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अंश जोर क्या होगा, हार होगा, ब्रैकेट बंद कर दो पहले, समझना गया ना, ये तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कुछ नहीं है तो क्या है नीचा में, जिसका कोई नहीं उसका अब अपॉन में अंश जोर हार अपॉन में उसका काम नहीं है, अब रख दो उसको हटा करके। अंश घटाओ क्या होगा हार, ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक माइनस उठा पटक देगा। अंश जोर हर अपॉन में अंश घटा हर कहेगा ये क्या किए, मेरा मन हम कर दिए रोकेगा तो फिर मैन रोकेगा। हाँ आगे बोलो इम्प्लाइज डेट रूट ए ब्रैकेट हटा दो रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी, इसको बोलो रूट ए रूट बी प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी अपॉन बोलो रूट टू प्लस वन अपॉन बोलो रूट टू माइनस वन बोलो माइनस बी चला गया ए चला गया, बोलो क्या बचा हरिहर दास टू रूट ए टू रूट बी बराबर बोलो रूट टू प्लस वन। देखो एक बात लाना जो है ना, ये रूट टू चला गया, हमको जो लाना है उसमें मतलब ए बी सिर्फ होना चाहिए, रूट है रूट भी नहीं होना चाहिए, तो वर्क कर देंगे तो रूट हट जाएगा उसका, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर बोथ साइड्स टेकिंग स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर है ना। तो इम्प्लाइज डेट बोलो ए बाय बी एक बार करो बहुत इधर उधर के रूट टू प्लस वन का रूट टू का स्क्वायर फुल टू फिर वन और फिर क्या होगा टू रूट टू साथ में लिखे कारण है लिखना चाहिए पिछला ठीक कोई दिक्कत नहीं, रूट टू का स्क्वायर बोलो हाँ टू वन का स्क्वायर वन और माइनस फिर क्या होगा टू रूट टू। तो बोलो ए बाय बी बराबर क्या होगा दो एक तीन, देखो आ गया ना के बार संख्या, नहीं तो फिर उधर करते क्या आ गया थ्री माइनस टू रूट टू, इसीलिए ए अनुपात बी बराबर दोनों संख्या किस अनुपात में है इस अनुपात में है। अगला पेज बढ़ाओ लगाया है ना, हाँ ला जल्दी ला, समझ में आया सवाल, ये समझ में आ गया ना, एक ही पेज में तो बन गया और एक पेज और था दुएगन हुआ तो कौन भी सी इंडिकेशन तो पाँच पेज में जाता है, खबर बनाएंगे तो आने वाले समय में पता चलेगा पाँच पर नाम एगो वो बन जाएगा कहेंगे हाँ ठीक है तब बन गया, कहें एगो बीच में मैंने से गया तो पूरा ले दे के फिर से काट हुआ वो मैंने छूट गया। दुए होता है या तो बनाने के मैंने बनाते छोड़ देते हैं या फिर कहते तुम खुद बना कर आना, क्योंकि प्रोसेस समझा दिए कहीं एगो मैंने चला गया मिस्टेक से मान लो या मार्कर से लिखते हैं तो माइनस बोले रहा गप कर रहे हैं कभी प्लस ही लिखा गया तो एगो बिंदा वहाँ मतलब खतरनाक हो जाता है। हाँ वो तो मैथ में खैर सब जगह अभी एक बिंदा तो इतना गड़बड़ा जाता है कहीं एगो प्लस जगह माइनस चला गया लटिया तो डूब जाता है ऐसे में, तो इसीलिए हाँ कंसनट्रेट रहना चाहिए। तो बैच जब पढ़ने वाला बेनिफिट किया है मान लो कहीं मिस्टेक भी हो गया विद्यार्थी का 10 गो है तो कह जाएगा वहाँ मिस्टेक हुआ है, क्योंकि हम अकेले बना रहे हैं तुम 10 गो हो तो हमारे पास 10 गो दिमाग है, हमारे पास अकेले माइंड है, अकेले हमको समझाना भी है लिखना भी है सब चीज़ करना है तो इधर उधर हो जाता है अब ऐसे नहीं होगी, समझ में गया ना, वर्षों का तपोबल अर्जित है नहीं होगा, टेंशन नहीं लो बाय इनकेस किसी को नहीं देखा क्या होगा। अब बोलो यदि ए तथा जी दो धनात्मक संख्या के बीच क्रमशः समांतर मार्ग तक गुणोत्तर माध्य हो, ए और ए तथा जी दो धनात्मक संख्या के बीच क्रमशः ए और बी क्या है ए और जी क्या है दो गो धनात्मक और उसके बीच में क्रमशः समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य होगा तो होगा, हमको क्या उससे मतलब है
हाँ ठीक है, हो तो क्या हो, हो तो सिद्ध कीजिए कितना होगा दोनों से, और जी दोनों हरों संख्या इस प्रकार से होगी। कुछ से कुछ कर देता है ना, और कुछ से कुछ हम लोग करने भी लगते हैं, है इसको जो मन है वो बकने रहता है, हमको जो मन हम भी करते हैं। बनाए कि छोड़ दें, ये तो बन जाएगा ना, एक को नहीं बनेगा क्या? दसवां में कॉलेज टॉपर था तुम लोग, यहाँ आकर के एक विकेट हिला दिया है तुमको, ये PGP है कॉलेज टॉप, दसवां में क्लास टॉप होगा ना जी, है यहाँ आते तो सब टॉपर झड़ जाता है। नहीं नहीं देख रहे हो, यहाँ कहेगा बनाइए नहीं जी, सवाल नहीं बनेगा, चलो ठीक है बना देते हैं। हाँ क्या नंबर होगा क्वेश्चन और बोलो? 29 होगा, 29 होगा। ए तथा जी दो धनात्मक संख्या है, उनके बीच का कर्मशः समान, ए तथा जी दो धनात्मक संख्या है। प्रश्न से ए तथा जी दो क्या है? धनात्मक संख्या, दो धनात्मक संख्या है। बार बार संख्या हम गलती लिखते हैं, तुम उसको ध्यान देना, वो सौ ख्या कर देते हैं। अब मान लो आजकल डॉट का DOC डॉक्टर ENG इंजीनियर तो फैशन हो गया है, तो हाथ भी आजकल फैशन कला, हम भी फैशन करेंगे थोड़ा सा मान लो, तो उसमें हो जाती है इधर उधर। तो प्रश्न से ए तथा जी क्या धनात्मक संख्या है, तो उनके बीच का बोलो एरिथमेटिक मीन क्या होगा? ए प्लस बी जी बाय टू, क्या यही होगा? होगा ना, हैं अच्छी बात है। प्रश्न से कहा है ए तथा जी दो धनात्मक संख्या है, ए तथा जी दो धनात्मक संख्या के बीच कर्मशः ए और जी दो धनात्मक संख्या के बीच कर्मशः AM और GM हो तो अरे सवाल में कुछ और ही कहा, ये बात नहीं कहा है सवाल में, सवाल में सुनो क्या कहा है, इसीलिए तुम सोच रहे थे, घुरा दिया है सवाल को, समझेंगे बात आ गया। क्वेश्चन में कहा है A और G जो है ये A और G दो को धनात्मक संख्या है, उनके बीच का समांतर माध्य और क्या है? गुणोत्तर माध्य है, यानी कि A समांतर माध्य है और G क्या है? दोनों दो को धनात्मक संख्या है उसके बीच का, तो संख्या ये तो है ना, लेकिन जो हम सोच रहे हैं वो नहीं, दूसरा कुछ है ये अब समझो इस चीज़ को। वैसे भी एथमेटिक है तो हम लोग ए कहते हैं, एथमेटिक बिल्कुल जी कहते हैं, ऐसे भी समझ सकते हो तुम्हें ए पर। हाँ इसको रखो तो काटो, 29 नंबर सवाल को लिखो। माना कि दो धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या ए तथा क्या है? बी है। अब प्रश्न से कैपिटल ए और बी दो धनात्मक संख्या है, क्वेश्चन में कहा है इस ए और बी के बीच का AM ए है और GM जी, ये बात बोला है क्वेश्चन। तो ए और बी के बीच का AM होगा ए, तो ए बराबर बोलो क्या होगा? ए प्लस बी बाय टू, क्या ऐसा होगा? ए और बी के बीच का GM होगा जी, तो जी बराबर बोलो क्या होगा? रूट अंडर AB। अब बात बुझा, तब लाना क्या है ना, उस चीज को देखो, लाना है ए प्लस माइनस ए प्लस जी, बबल मन होता होगा बना लेंगे कि जुट्ठो टाइम बर्बाद कर, दगा बढ़ी आगा बढ़े। हम भी सोच रहे हैं कोई बोले एको कह देता है दगा बढ़ जाते हैं, मना कि सब बना दिया। हैं कोई दिक्कत? छोड़ दें हैं, बना देते हैं है। पानी लग खेते वो तो मान लिया कि दो धनात्मक संख्या तथा क्या है? बी है। प्रश्न से ए बराबर ए प्लस जी बाय टू और जी बराबर, यही दो धनात्मक संख्या है, यानी कि इसको इसका वैल्यू इस प्रकार से निकालना है ऐसे हो, यानी कि ए बी का मान निकालनी है। पवन देव माइन करना है कुछ, बताओ कुछ सूझ रहा है कि मतलब क्या करें सवाल में, कुछ बताओ अपना मतलब, कुछ राय दो बताओ, कुछ दिख रहा है कि क्या करेंगे लाने के लिए, कुछ राय दो आप बोलो ना, बोलने का तो समय ही देते हैं।
नहीं बोलना है किसी को लिविर लिविर। अरे बोलो पवन देव, बबल कुमार, कुछ कहो क्या होगा, कुछ सुन रहा है आगे क्या करेंगे। क्वेश्चन जो कहा था मैंने लिख दिया, जो लाना मैंने वो भी लिख दिया, अब आगे बात बोलो क्या करेंगे। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ए और बी का क्या करना है, वैल्यू निकालना है ना। इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी बराबर क्या होगा, यहाँ से 2a हो गया, ए प्लस बी बराबर क्या हो गया यहाँ से 2a हो गया, ठीक है ना। इसको समीकरण नंबर एक मान लो, समीकरण नंबर क्या मान लो एक। अच्छा बोलो a माइनस बी बराबर क्या होगा, a माइनस बी बराबर बोलो क्या होगा। अच्छा स्क्वायर बराबर बोलो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है कितना होगा, माइनस फोर ए बी। यहाँ से बोलो ए माइनस बी बराबर बोलो क्या होगा, रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये ऐसे कहे की बताते हैं दसवां पर का हो, इसीलिए माइनस फोर ए बी का मान निकाले तो ए माइनस बी बराबर बोलो ए प्लस बी का स्क्वायर का मान बोलो कितना है जी, ए टू ए, टू ए है। ए बी का मान एक चीज ध्यान देने वाली बात है, कर देते भी बराबर। हाँ तो वही कर देंगे, जी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए बी, ए बी फोर जी, फोर जी जी स्क्वायर, ठीक है पवन देव, ठीक है। हाँ देवता को उपाधि दिए हैं, दो दुना चारे और माइनस फोर जी, कुछ कमान आएगा, यस आएगा तो आएगा टू, और अंदर में बचेगा ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, बाहर चला गया फोर, बड़े बोलो लिख दिए ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ए प्लस जी जी ए माइनस जी, एक बार सब बात कर दिए, समझ में आया काहे इतना लिखेंगे। अरे समझ में आ गया ना, अब बोलो क्या होगा। प्लेटफार्म नंबर दू, समीकरण एक और दू को जोड़ो, बी बी चला गया, ए होगा टू ए, ए भी एड होगा टू ए प्लस टू रूट अंडर ए प्लस जी इंटू ए माइनस क्या होगा जी होगा, इसीलिए ए बराबर ए प्लस रूट अंडर ए प्लस जी इंटू ए माइनस क्या होगा जी। अरे कुछ बुझा, ए का मान निकाल दिया है मैंने, कुछ समझ में आया कैसे निकला ए का मान, यहाँ पर प्लस माइनस बना कहाँ पर दो निकला तो प्लस माइनस नहीं होगा, तू प्लस ही लिख, तुमको कैलकुलेट करना है, समझ में आ गया ना, वो माइनस अपने खुद आ जाएगा अपने आप। अपना बात समझ में आया सबको, ए माइनस बी का मान निकाल लिया क्योंकि हमको ए प्लस बी का पता था, ए माइनस बी निकाल इसीलिए ताकि जोड़ेंगे और घटाएंगे तो उससे मान बी का और ए का भी निकल जाएगा। जोड़ सीखा ना, आप क्या सीखेंगे घटाओ, जोड़ के बाद घटा भी आता है ना, तो घटाओ सीखो। समीकरण एक माइनस समीकरण दो करने पर सब्सट्रैक्टिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ब्रिगेड करने पर करो, देखो एक है ये दो है, जब घटाते हो तो अपोजिट साइन वाला कटता है, सेम साइन वाला जुट जाएगा। तो यहाँ ए प्लस बी है तो माइनस ए कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस बी, बी बी क्या होगा टू बी बराबर टू ए, माइनस ये चीज टू ए, ब्रैकेट बंद करो। अच्छा ये है संख्या, संख्या तो ये है ना समीकरण दो, तो ब्रैकेट क्या बंद करेंगे, टू इंटू रूट में ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। अब बोलो इसीलिए बी बराबर बोलो ए माइनस आगे बोलो रूट अंडर ए प्लस जी, हाँ रूट अंडर ए प्लस जी। अगला पेज बढ़ाओ, अरे पेज लाओ जल्दी लगाओ फटाफट, इतना देर में पेज लगाने में अभी होगा सब चीज़ समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ तो ए का मान ये है, ये है ए का मान, और ये किसका मान है, ये बी का मान है, पेज में दे देंगे लिख दिए हैं यहाँ पर।
तो दिक्कत आगे ले लेना। एक दो मैथी वाला तो पढ़ते पढ़ते चुरा भी कोई पे लेता लिखल कारे ले लेना कहा गया हमने लिए था हमने लिए चेक करो सबको कौन लिया है तो पता चलता उसके किताब में घुसा है समझना गया ना इसीलिए कह दिए तुम लोग भी कर सकते हो सजेशन दे दिए सजेशन में क्या रहता ए बराबर इतना दिया है देखो ए बराबर इतना दिया है अभी बराबर इतना दिया है ना अरे दो से भाग दिया है तो यहाँ दो थोड़े आएगा यहाँ तो दो से भाग दे दो कट जाएगा ना ए माइनस इतना और ए प्लस इतना तो ए और बी का मान जो होगा ए और बी का मान जो होगा कम्बाइंड रूप से वो हो जाएगा ए प्लस माइनस रूट अंडर ए प्लस जी समझ में आ गया ए माइनस ये सवाल बतेबो न करेंगे हम तो ये सवाल बतेबो न करेंगे किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रति घंटे पश्चात दोगुनी हो जाती है बता देते हैं किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात कितना गुनी होती है हाँ क्या नंबर सवाल है 30 कॉमन रेशियो बराबर 2 दो गुनी तो 3 गुनी वही कॉमन रेशियो होती है यदि प्रारंभ उसमें 30 बैक्टीरिया था समझ में आ गया ना तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे चौथे तथा एनवे घंटे बाद क्या होगी बैक्टीरिया की संख्या दूसरे घंटे बाद बोला है यानी कि तीसरा घंटा क्या घंटा बाद बोला है दूसरा घंटा बाद बोला है तो टी टू बोलो तो ए आर स्क्वायर है कितना घंटा बाद बोला है दूसरे घंटे बाद तीसरा मिन करोगे ना लिखेंगे टी टू लिखेंगे ए आर स्क्वायर इसका मतलब तीसरा घंटा में पूछ रहा है ऐसे पूछा है सवाल तो ए का मान 30 और 2 का स्क्वायर कर लेना बैक्टीरिया की संख्या चौथे में क्या होगी तो ए आर क्या होगा 4 होगा 30 गुना 2 का पावर कितने होगा एनवे घंटे बाद क्या होगी तो टी एन बोला है ए आर का पावर क्या बोला है एन बोला ए का मान बोलो 30 2 के पावर एन खत्म करो इसको इसको भी लिखिए नहीं बराबर हाँ बराबर लिखता है यहाँ देखो 500 रुपये धनराशि नहीं बनाएंगे दसवां यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य अरे ये सवाल अथी वाला है तो बना रहना ए इंटू पी प्लस 1 बटा आर बटा 100 के होल एन जो है वही फार्मूला पर सॉल्व कर लेना ए पी बराबर हो जाएगा 500 आर बराबर 10% हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 10 वर्षों बाद एन का मान 10 हो जाएगा सॉल्व हो गया समझ में आ गया ना बहुत बड़ा है एन ऊपर में दे देंगे ए इंटू पी प्लस 1 बाय अरे सूत्र भी ए प्लस ए इंटू पी प्लस 1 बाय आर हम सूत्र को भूल गए हैं तुम बना लेना यही सूत्र इस प्रकार से कुछ होती है ए प्लस बी प्लस है यहाँ देना तो अपना यदि किसी नहीं देने का तो हम बोले सूत्र हाँ बोलो पी इंटू 1 प्लस आर बाय 1 बाय 1 प्लस आर इक्वल टू पावर एन देखना अपना नहीं बनेगा सूत्र भेज देंगे ए का मान कितना हो जाएगा मूलधन होगा पी ब्याज 10% बराबर 10% हो गया 10 वर्षों बाद एन का मान 10 हो गया कर लेना तुम लोग यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य मूलों के समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 तथा क्या है 5 द्विघात समीकरण क्या होगा देखो पूछने का लेवल है हाँ बताओ किसी द्विघात तुम बताओ बबल कुमार कहेगा हमसे नहीं पूछे बताओ द्विघात समीकरण के मूलों का योग पता हो और मूलों का गुणनफल पता हो द्विघात समीकरण क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा बहुत खूब तुम बताओ प्लस अल्फा माइनस बीटा चलो कुछ से कुछ कह दिया अपना तुम बोलो विश्वास विश्वास मत तोड़ना बोलो क्या होगा क्या होगा नहीं पता है हमको भी नहीं पता है छोड़ देते हैं सवाल नहीं बना लेंगे बना दें हाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो गया ना नहीं सर माइनस अल्फा इंटू बीटा सही लिखे हैं हम तब कोस्ट में देंगे बिना पूछ लो हम थोड़े देते हैं सही है प्लस क्वेश्चन नंबर कितना होगा 32 कुछ सीखो पवन देव से किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य समांतर माध्य कितना है 8 गुणोत्तर माध्य कितना है 5 तो संख्या मान लो माना कि बना लेंगे माना कि नहीं बनेगा
दो संख्या बैठा देंगे उससे पहले ए तथा क्या है ये बात होता तो हम नहीं बनाते। दो संख्या थोड़ा सा दिक्कत होगा, ए तथा बाद में फिर पूछेगा हमसे, इसको मुहर मार देंगे ना, खत्म कर दिए, अगला प्रोग्राम फिर शुरू करेंगे, मेरे पास बहुत समय है तुरंत। माना कि दो संख्या ए और क्या है बी है, इसीलिए ए और बी का, ए और बी के बीच का बोलो समांतर मान कितना दिया है, क्वेश्चन बोलो 8, और गुणोत्तर माध बोलो रूट अंडर ए भी होता है गुणोत्तर माध, कितना दिया है 5, ए प्लस बी बराबर बोलो 16, तो ख बोले रूट बोलो ए भी बराबर बोलो 25, इसीलिए द्विघात समीकरण बराबर बोलो हो गया ना द्विघात समीकरण। खुशी है कि तटस्थ खत्म हो रहा है इसीलिए। हाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए बी, मिलाओ मिला मिला जल्दी से देखो यही हाँ एक बार देख लो ना हमको तसल्ली मिल जाएगा। अगला पेज लाओ तो समझ में आ गया, अगला प्रोग्राम शुरू करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट बात।